क्या हुआ नंदी? वो उसका जियामा, उन्होंने मुझे बहुत धमकाया नंदी। वो समझ से नाल पत्थर छीन ले गए। उस्ताद यामा के हाथों में जो लाल पत्थर है वो नकली है। मुझे पता था कि उस्ताद यामा के होते हुए मुझे बहुत सावधानी बरतनी होगी, इसीलिए मैंने पत्थर को ऐसी जगह छुपा कर रखा जिस पर किसी की नजर भी ना पड़े। बस पहले शहजादी जैस्मिन ठीक हो जाए, फिर मैं चिराग की खोज पर निकलूंगा। चलो जुनैद, शामत शैतान तक पहुंचने का दरवाजा ढूंढते हैं। नाच जीनू नाच, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुमने जीनू के ऊपर चाकू कैसे फेंका? और तुमने माकू खान के लिए नाचने से इनकार किया? उफ, उफ, उफ। मेरी गलती थी जो मैं तुम्हें डाकू बनाया, तुम माकू ही ठीक थी। खूंखार डाकू, बन जाए एक प्यारी सी माकू। तुमने माकू खान पर हमला किया, अब तुम नहीं बच सकते। नाचते हो या और चाकू बरसाऊं? नहीं 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 नहीं, तुम जैसा कहोगी मैं वैसे करूंगा, वैसे करूंगा मैं। तो फिर नाचो। रुको, अब क्या हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? शबाब और कबाब। डाकू माकू चाहे जो भी, पूरा कर दे उसे झटपट जल्दी। शुरू करो। नाचो जिनू नाचो। वाह वाह वाह। अब ये माकू नशे में अपने होश खो देगी। बहुत अच्छे। और मैं भी देखता हूँ ये मेरे जादू से कैसे बच पाती है। उत्तर दिशा में तो हम आ गए हैं, पर यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहीं हम गलत रास्ते तो नहीं आ गए? पता नहीं, हमें आगे चलकर देखना चाहिए। ये कब्रिस्तान पार करना जरूरी है क्या? यही एक रास्ता है जुनैद, हमको इस रास्ते को पार करना है। जुनैद, आप भी जादुई मदरसे में पढ़ती है? हाँ, पर तुमसे कुछ साल बड़ी हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ नहीं पढ़ती। इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रही है? हर महीने के आखिरी दिन मैं अपने दोस्त की कब्र पर फूल चढ़ाने आती हूँ। और तुम इतनी रात गए मदरसे से बाहर क्या कर रहे हो? हमें एक खंडर की तलाश है, पर अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया। इस जंगल में तो एक ही खंडर है। आप जानती है वो कहाँ है? हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकती हूँ। जुनैद,
जुनैद, ये कह रही है कि ये खंडर का रास्ता जानती है, पता है? आओ मेरे साथ। आपको क्या भूतों से डर नहीं लगता? तुम्हें भूतों में विश्वास है? क्यों, आपको नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। तुम जितनी मर्जी चाहे कोशिश कर लो, मुझे डर नहीं लगेगा। वो रहा तुम्हारा खंडर, यहाँ से कुछ 10 कदमों की दूरी पर ही होगा। अब तुम लोग जाओ, मैं मदर से वापस लौट रही हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया। मैंने कहा था ना, मुझे भूतों से डर नहीं लगता। भागो अलादीन, अलादीन भागो। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं भी आ रही हूँ। मैं गलती से गिर गई थी, मेरी बात तो सुनो। रुक जाओ, रुको। मुझसे और नहीं भागा यार अलादीन, मैं और नहीं भाग सकता। जुनैद, ये तो वही कब्र है जिस पे वो लड़की फूल चढ़ा रही थी। हम गलत रास्ते आ गए थे, हमें मदर से जाकर चेंगा से फिर पूछना होगा। जल्दी चलो। नहीं आ रही। मरने का इतना ही शौक है क्या? भूल गए सरताज ने कमरे से बाहर निकलने को मना किया है? मैं ये सोच रहा था, अगर मरना ही है तो भूखे पेट क्यों मरूं? कुछ खाकर मरता हूं। जहां जाना है जाओ, पर दरवाजा ठीक से बंद करके जाना। शैतान का श्राप अंदर नहीं आना चाहिए। वैसे भी भूख से ही मेरी जान निकल जाएगी। इतनी भीड़ क्यों है? लगता कुछ हुआ है। साहिब,
जाहिल। लगता है इसे भी शामत के शैतान का श्राप लग गया। अलादीन, इतनी रात को तुम कहां गए थे? हम जंगलों में शामत के शैतान को ढूंढने गए थे। किससे पूछकर गए थे? मैंने तुम लोगों को कमरे से निकलने के लिए सख्त मना किया था, क्या था या नहीं? जी। फिर भी तुम लोग बाहर चले गए? क्या तुम लोग एक भयानक मौत मरना चाहते हो? तो फिर आप क्या चाहते हैं? जैस्मिन और साहिल भी वैसे ही मौत मरे? हमारे पास और रास्ता ही क्या है? या तो हम उस शैतान को ढूंढकर खत्म करें, या फिर यही बैठकर अपनी बारी का इंतजार करें। पहले उसने जैस्मिन को अपना शिकार बनाया और अब साहिल को। इसी तरह एक एक करके वो हम सब पर हावी हो रहा है। आप कुछ करें या ना करें, मैं जरूर करूंगा। मेरी बेटी जैस्मिन के बारे में कुछ बता सकते हैं? मुझे सच जानने के लिए आपको अपने दिल को मजबूत करना होगा। इतनी ताकत है आपने? अगर इस बात का ताल्लुक मेरी बेटी के साथ है तो मैं कुछ भी सुनने के लिए तैयार हूं। क्या वो जिंदा है? हाँ। बस मैं यही सुनने आया था। बात अभी पूरी नहीं हुई है। आपकी बेटी जिंदा जरूर है, पर वो मौत से लड़ रही है। क्या? अगले 12 घंटों में उसकी जिंदगी और मौत का फैसला हो जाएगा। बस दुआ कीजिए कि कल सुबह का सूरज वो देख पाए। जैस्मिन के हाथ की लकीर तो धुंधली पड़ती जा रही है। मेरे पास तुम्हें वापस लाने के लिए सिर्फ आज की रात है और मुझे अभी तक उस शैतान का पता नहीं चला। जब तक मैं जिंदा हूं मेरी जैस्मिन को कुछ नहीं होगा। सूरज उगने से पहले मैं उस शैतान को ढूंढ कर खत्म कर दूंगा। अब चाहे उसे मारने में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। चलो। फिर हमें एक लड़की दिखी जो अपने कब्र पे खुद फूल चढ़ा रही थी। मैं तो बुरी तरह डर गया था।
फिर हम लोग जैसे ही जाने लगे, तुमने अफशां को उसकी कब्र पर देखा होगा? हाँ शायद, पर आप अफशां को कैसे जानते हैं? उसे कौन नहीं जानता, वो इस मदरसे की सबसे होशियार शागिर्दों में से एक थी। उसे पुरानी इमारतों का बहुत शौक था। एक दिन उसने एक किताब में पढ़ लिया कि मदरसे के पास वाले जंगल में एक बहुत ही पुराना खंडर है, तभी वो उसे ढूंढने यहाँ से निकल पड़ी। तब से लेकर आज तक वो मदरसे वापस नहीं लौटी है। कहते हैं कि उसे शामत के शैतान का श्राप लग गया। हमें जल्दी ही उस लड़की को ढूंढना होगा। अफशा को? उस भूतनी को? अलादीन तुम ये? हमारे पास वक्त बहुत कम है चले, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नाचना बंद क्यों किया? अरे कब तक नाचूं मैं? पिछले 8 घंटे से नाच नाच के मेरे पैरों में छाले पड़ गए, छाले। तो सर के बल नाचो। मुझे तो लगा था ये जादू शरबत पी के सो जाएगी, लेकिन और जाग गई। मेरा जादू हमेशा उल्टा क्यों पड़ जाता है? नाचते हो या लगाऊं एक? अब बहुत हो गया, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। भाग जा डाकू, बन जा मापावा। ये क्या जीनू, मुझे फिर से डाकू बनना है। अब मैं बनूंगा डाकू। तुमने कितने दिनों से मुझे तंग किया था ना, अब मैं उसका बदला गिन गिन कर लूंगा, गिन गिन करके। बदला? हाँ बदला। अब माकू नाचेगी। मुझे माफ कर दो जीनू, गलती हो गई। नाचते हो या बरसाओ जागो? नहीं 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 नहीं, तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। क्या हुआ जुनैद? अलादीन, हम मतलब सही तो कर रहे हैं ना? इसके अलावा और कुछ भी करते तो बहुत गलत होता। सच बताओ मेरे दोस्त, मुझे तो जिंदगी में पहली बार कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। कौन है? कौन है? जुनैद, जुनैद पेड़ की डाली है। जुनैद पेड़ की डाली? कुछ नहीं। अलादीन क्यों जा रहे हो आगे? चलो जुनैद। आ रहा हूँ। चल तू चलाल तू आए भला को ठाल तू, चल तू चलाल तू आए भला को ठाल तू, चल तू चलाल तू आए भला को ठाल तू, चल तू चलाल तू आए भला को ठाल तू। मैं हूँ, जाना नहीं। अलादीन भागो भागो। अरे रुको, रुक जाओ। सब लोग मुझसे इतना डरते क्यों हैं? आखिर मैंने किया क्या है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं नहीं नहीं, आप तो बहुत ही अच्छी है। अलादीन भागो। रुको जुनैद। कोई मुझसे बात नहीं करता, सब मुझे देखकर ही दूर भाग जाते। अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो क्या तुम मुझे एक बात बताओगी? जरूर बताऊंगी, पूछो। तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? मैं यहाँ खंडर देखने आई थी, पर जैसे ही मैं वहां पहुंची मुझे किसी चीज ने काट लिया और मैं वहीं गिर पड़ी।
जिस चीज ने तुम्हें काटा याद है क्या था वो? कैसे देखती, मैं तो एक पल में ही मर गई थी।